कर्नाटक की 224 में से 220 असेंबली सीटों पर नतीजे का ऐलान। 136 सीटों के साथ वाज़े अक्सरियत की जानिब बढ़ रही है कांग्रेस। बीजेपी को 62, जेडीएस 19 और दीगर के खातों में 4 सीटें। कर्नाटक के इंतखाबी मैदान में कांग्रेस की कामयाबी के बाद बेंगलुरु से दिल्ली तक जश्न का माहौल। पार्टी सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून साज असेंबली की मीटिंग में मुंतखब किया जाएगा लीडर, लेकिन हाईकमान करेगा हतमी फैसला। पिछले इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी को कर्नाटक में 30 से ज्यादा सीटों पर हुआ नुकसान। बोमई काबीना के वुजरा को करना पड़ा शिकस्त का सामना, लेकिन वोट शेयर में कोई कमी नहीं दर्ज। बोमई ने कहा कि शिकस्त की वजूहात का लिया जाएगा जायजा। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी का बजा डंका। समाजवादी और बीएसपी को बड़ा नुकसान। अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा में होंगे बीजेपी के मेयर। बाकी सीटों पर बीजेपी को सबकत। नगर पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात में भी बीजेपी की शानदार कारकर्दगी। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में बीजू जनता दल की जीत। जालंधर लोकसभा पर आम आदमी पार्टी को सबकत। तो वहीं उत्तर प्रदेश में की दोनों असेंबली सीटों पर बीजेपी आगे। गर्दाबी तूफान मोखा के पेश नजर बांग्लादेश हाई अलर्ट पर। कल बांग्लादेश के जुनूबी मशरिकी साहिल पर पहुंचेगा मोखा। कॉक्स बाजार एयरपोर्ट की खिदमात एहतियातन की गई बंद। आईपीएल के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला। तो वहीं दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स के साथ होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। 224 असेंबली सीटों पर हुए इंतखाबात में कांग्रेस ने 135 से ज्यादा सीटें जीती हैं और फतूहात का सिलसिला जारी है। काबिले जिक्र है कि हुकूमत बनाने के लिए 113 के अददोशुमार से बहुत आगे जाने वाली कांग्रेस की ये कारकर्दगी और उसके एतमाद में कई गुना इजाफा कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी को बिस्वराज बोमई की क्यादत में बड़ा धचका लगा है। इंतखाबात के बाद तमाम न्यूज चैनलों पर कराए गए एग्जिट पोल में कांग्रेस की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही थी। और कर्नाटक की जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर है। यहां के पार्टी सदर डीके शिवकुमार और वजीर आला रह चुके सीनियर लीडर सिद्धरमैया जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन वजीर आला बनेगा। कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही वजीर आला के ओहदे के लिए अहम दावेदार हैं, लेकिन इसका फैसला कानून साज पार्टी की मीटिंग में हो सकता है। माना जा रहा है कि कल कानून साज पार्टी की मीटिंग हो सकती है और इसमें ही फैसला किया जाएगा कि कौन वजीर आला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कानून साज पार्टी जो भी फैसला करेगी उस पर हतमी मोहर हाई कमान की ही लगेगी। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शन होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलए की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा वो हाई कमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है, अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। झनात में जबरदस्त सबकत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कारकुन दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जश्न मना रहे हैं। जुनूबी इलाके में कांग्रेस की जीत ने उनके लिए इम्कानात के दरवाजे खोल दिए हैं। कांग्रेस के लीडर इस दौरान ढोल और नगाड़ों के साथ जश्न मनाते देखे गए।
और कर्नाटक इंतखाबात के रुझानात में कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली है। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने कर्नाटक के वजीर आला बिस्वराज बोमई के काफिले के सामने जश्न मनाया। और कर्नाटक कांग्रेस सरबरा डीके शिवकुमार पार्टी की जीत से बहुत खुश हैं, बल्कि वो थोड़ी ही देर के बाद जज्बाती भी नजर आए। उन्होंने पार्टी की जीत का सहरा पार्टी कारकुनों और लीडरों को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आवाम ने झूठ का पर्दाफाश किया है। शिवकुमार के घर के बाहर पार्टी कारकुनों ने खूब जमकर खुशियां मनाई और आतिशबाजी भी की। People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारमैया भी पार्टी की कारकर्दगी से खुश हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले ही इस बात का यकीन था कि पार्टी 130 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी वुड गेट अराउंड 130 सीट्स। दैट वाज माय असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन इन द स्टेट। Almost it comes true. We may cross 130 also. It's a big victory to Congress party. और उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में भले ही बीजेपी का डंका बज रहा हो, लेकिन कर्नाटक में पार्टी की शिकस्त बाइस तशवीश है। इस दौरान कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत चलाने वाले बीजेपी लीडर बिस्वराज बोमई का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इंतखाबी नतीजे का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में फिर से वापसी करेगी। We have been not able to make the mark. CM speaking. In spite of lot of efforts, by everybody, right from our prime minister to our leaders, Congress has been able to make the mark. We'll do the detailed analysis once all the results come, because they are all trends are there. Once the results come, we'll do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see then what are the gaps, what are the deficiencies where there are at different levels. We'll look into that and improve upon it. And we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party. Hello? And come back during Lok Sabha election. बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला बीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतीजे के बारे में बात करते हुए कहा कि बीजेपी कारकुनों को इन नतीजे से मायूस होने की जरूरत नहीं है। विक्ट्री एंड डिफीट आर नॉट न्यू टू भारतीय जनता पार्टी। स्टार्टेड विद ओनली टू सीट्स, बीजेपी हैज ग्रोन टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ। Party workers need not to be panicked by these results. We'll introspect about the party's setback. We'll give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. I want to thank the voters of the Karnataka state. मरकजी वजीर और कर्नाटक में बीजेपी के सीनियर लीडर शोभा करंदलाजे ने कहा है कि जमहूरियत में जीत या हार कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब वो अपोजिशन के तौर पर सामने होगी। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। हमारा टारगेट है 2024 में मोदी जी को 26
सीट हम लाएंगे। और जेडीएस की बात करें तो देवेगौड़ा और कुमारस्वामी की मेहनत इस बार रंग नहीं लाई। इस इंतखाबात में जेडीएस को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जेडीएस को पिछले इंतखाबात में 35 सीटें मिली थी, जबकि इस बार वो 21 सीटों तक महदूद दिखाई दे रही है। एक वक्त था कि जब तकरीबन हर इंतखाबात में जेडीएस किंग मेकर के किरदार में नजर आती थी, लेकिन अब बरहम भी टूट गया है और इस बार जेडीएस ने बगैर किसी इत्तेहाद के इंतखाबात में उतरने का फैसला किया था, जिसका खमियाजा वो भुगत रही है। ताहम पार्टी इसका जायजा जरूर लेगी। बहरहाल आज वोटों की गिनती के दरमियान में ऐसी तस्वीर भी सामने आई है कि जब कर्नाटक के साबिक वजीर आला और जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने श्री बिस्वराज उमा श्री महेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। और कर्नाटक हुकूमत में वजीर सीएन अश्वित नारायण ने कहा है कि जगदीश शेट्टर की हार शुरू से ही यकीनी थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त राय दहिंदगान का कांग्रेस के हक में जाना हैरानकुन है। कर्नाटक में हुकूमत ने अच्छा काम किया है। Shetter, from the very beginning it was very clearly written on the wall that is not going to win the election. The people verdict is in favor of now at present it is in the favor of Congress party. It is very surprising to see this result and Bharatiya Janata Party in the state of Karnataka we have done extremely well and people worked it we need to accept it is in the favor of Congress anyway let us see in the future. कर्नाटक में इंतखाबी रुझानात के बाद लीडरान भी मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में जाकू हनुमान मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत की स्किल डेवलपमेंट स्कीम हिमाचल प्रदेश के दही इलाकों के नौजवानों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत सैकड़ों नौजवान सिरमौर जिले के राजगढ़ में खुले ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर की तरबियत ले रहे हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्किल डेवलपमेंट स्कीम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दही इलाकों के नौजवानों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में मुफ्त तरबियत दी जा रही है। जिले के राजगढ़ इलाके में इस स्कीम के तहत नौजवानों को कंप्यूटर की तरबियत दी जा रही है। राजगढ़ के सैकड़ों नौजवान कंप्यूटर की तरबियत हासिल करके मुस्तफीद हो रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि उन्हें इदारे में बेहतर तरबियत मिल रही है। हमारे पंचायत में एचपी के इवेंट के कैंप लगे थे, जहाँ पर उन्होंने हमें इस कोर्स के बारे में बहुत जानकारी दी और मैंने वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और कुछ दिनों बाद मुझे यहाँ से कॉल आया और मैंने यहाँ आकर अपनी एडमिशन करवाई। यहाँ पर सब कुछ फ्री है, हॉस्टल और खाने की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। हमारी पंचायत के थ्रू मिली थी, वहाँ पर हमारे यहाँ से हमारे टीचर्स आए थे, जिन्होंने हमें इसके बारे में अवेयर करवाया था। इसमें हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ हम जैसे दूर दराज के रहने वाले हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी और हमने वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। कुछ समय बाद हमें यहाँ से कॉल लेटर आया था, उसके बाद हम सभी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमें कंप्यूटर कोर्स जैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जा रहा है और साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जा रही है। हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं और यहाँ के टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैं इस शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस वेब डेवलपर का कोर्स सीख रही हूँ, ताकि हमारे आने वाली लाइफ में एक बेसिक है, हर एक चीज़ के लिए हम जरूरतमंद हैं। मैं एचपी केवीएन का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि हमें इस तरह का मौका मिला और आगे जाके भी हर बच्चों को इसका मौका मिले कि हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सके। इदारे के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि इस वक्त इंस्टीट्यूट की जानिब से तकरीबन 90 लड़कियों को मुफ्त वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ये दोनों तरबियतें रिहायशी हैं, जहां उन्हें मुफ्त रिहायश और खाना फराहम किया जा रहा है। मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि इदारे की जानिब से अब तक 260 लड़कियों को तरबियत दी गई है, जिनमें से 70% को निजी शोबे में मुलाजमत मिली है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है।
यहाँ पे जो है हम लोग दो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। जो पहली ट्रेनिंग है वो है वेब डेवलपर और सेकंड जो ट्रेनिंग है वो है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये जो दोनों कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं, इस कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 2 महीने की है। ये शिक्षा संस्थान को चले हुए तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो गया है और यहाँ से तकरीबन 260 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ के निकल चुके हैं और तकरीबन अभी 90 के करीब बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो कोर्स मैंने आपको बताए हैं वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये दोनों कोर्सेज जो है ये काफ़ी एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें जो है कंप्यूटर के नॉलेज दी जाती है बेसिक से एडवांस तक। और इस कोर्सेज में जो है आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, जहाँ पे आपको जो है फूड एंड अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यकीनी तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्किल डेवलपमेंट स्कीम नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत दी जाने वाली मुफ्त तरबियत से उन्हें रोजगार हासिल करने में काफी मदद मिल रही है। राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायतों के इंतखाबात के नतीजे के लिए वोटों की गिनती जारी है। रियासत में 2 मरहलों में 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 199 म्यूनिसिपल काउंसिलों और नगर पंचायत के सुदूर के ओहदे के लिए इंतखाबात हुए। हुक्मरा बीजेपी को ताजा तरीन रुझानात में सबकत मिलती नजर आ रही है और आइए उत्तर प्रदेश से आने वाले ताजा तरीन रुझानात पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायतों पर हुए इंतखाबात के नतीज के लिए वोटों की गिनती जारी है। रियासत में 2 मरहलों में 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 199 म्यूनिसिपल काउंसिलों और नगर पंचायत के सुदूर के ओहदे के लिए इंतखाबात हुए और ताजा तरीन रुझानात में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने समाजवादी पार्टी BSP और कांग्रेस को हराकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसिलर तक पहुंचा दिया है। बीजेपी ने 17 मेयर इंतखाबात में झांसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और सहारनपुर से जीते हैं और झांसी में बिहारी लाल अरबा, अयोध्या में गिरीशपति त्रिपाठी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, बरेली में उमेश गौतम, गोरखपुर में मंगलेश श्रीवास्तव और सहारनपुर में अजय सिंह ने मेयर का इंतखाब जीता है। काबिल जिक्र है कि बीजेपी को 17 में से 17 पर सफलता हासिल हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और संगठन के कुशल शिल्पी के रूप में जो पूरा संगठन का सिस्टम इस चुनाव में दिन रात परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर निगम में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। मरकजी अखलती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने आज आजमीन हज की तरबियत के लिए 468 मुंतख अहलकारों के लिए 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इन अहलकारों को इस साल हज पर जाने वाले 2.25 लाख आजमीन को तिब्बी और इंतजामी सहूलियात फराहम करने की तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने आजमीन हज के लिए हज गाइड्स किताबचा भी जारी किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि पहले हर बार सिर्फ एक ही डिपुटेशन हज यात्रा पर जाता था, लेकिन इस बार हमने नए लोगों को भेजने की कोशिश की है। कहा गया है कि जब डेप्यूटेशनर्स जाते हैं तो विशेषतः रिपीट डेप्यूटेशनर्स जाते हैं। हमने कोशिश की कि आज तक जिसको जिम्मेदारी नहीं मिली उसको पहली बार ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिले। और स्मृति ईरानी ने कहा कि इस साल 4,300 से ज्यादा खवातीन महरम के बगैर हज पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारतीय शहरियों के लिए हज की अदायगी के अखराजात को कम करने पर तवज्जो दे रही है। हम इस बात को और इस जज्बे को समझते हैं कि एक महिला का बिना महरम के जाना अपने आप में एक निजी निर्णय है। चंद महिलाएं पहले जाती थी,
दिस ईयर द लार्जेस्ट कंटिंजेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ वुमेन विदाउट महरम आर गोइंग टू हज. 4,314 वुमेन आर गोइंग ओनली फॉर दिस ईयर्स हज, विच मेक्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन मोर स्पेशल. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के साबिक सदर फखरुद्दीन अली अहमद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया. बांग्लादेश इंतहाई शीत समंदरी तूफान मोखा की वजह से हाई अलर्ट पर है. इस तूफान का इतवार को बांग्लादेश के जनूब मशरकी साहिल तक पहुंचने का इम्कान है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार हवाई अड्डे की खिदमात हफ्ते की सुबह से इतवार की शाम तक बंद कर दी गई हैं, और इसके साथ ही बांग्लादेश की नेशनल यूनिवर्सिटी और 5 बोर्ड के इम्तिहानात भी फिलवक्त मुलतवी कर दिए गए हैं. बांग्लादेश के महकमे मौसमियात ने अपने हफ्ते के बुलेटिन में कॉक्स बाजार और चिट्टोग्राम की बंदरगाहों से भी कहा है कि वो ग्रेट डेंजर सिंगल नंबर 8 को जारी रखें. बांग्लादेश के महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान मुखा आज सुबह तक चिट्टोग्राम बंदरगाह से 815 किलोमीटर और कॉक्स बाजार से तकरीबन 745 किलोमीटर दूर था. जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सुबह फौज ने दहशतगर्दों की दरंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया. इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग भी हुई. फौज के मुताबिक इस दौरान पाक फौज ने एलओसी के करीब क्वाड कॉप्टर उड़ाकर दहशतगर्दों की मदद करने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय फौज ने उस पर फायरिंग की और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया. भारतीय फौज ने दहशतगर्दों की दरंदाजी को नाकाम बना दिया. और भारत में कैंसर के इलाज में इनकलाबी कदम उठाते हुए ICMR ने कैंसर के शोबे में क्लिनिकल ट्रायल्स को फरोग देने के लिए नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ एक मुहायदा किया है, और इससे भारत में कैंसर के सस्ते और नए इलाज को फरोग देने में मदद मिलेगी. नेशनल कैंसर ग्रिड भारत सरकार की एक पहल है जो मुल्क भर के कैंसर सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, मरीजों के ग्रुप और मजहबी इदारों का एक नेटवर्क है जो कैंसर की रोकथाम, जांच और इलाज के लिए मसावी मयार तैयार करता है. अब तक 270 से ज्यादा अस्पताल इस नेटवर्क से जुड़े हैं. और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इमरान खान आज अलग सुबह लाहौर के जमान पार्क में वाकई अपने घर पहुंच गए. उनके इस्तकबाल के लिए खवातीन और बच्चों समेत पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क में जमा थी. इस्लामाबाद से लाहौर के दौरे के दौरान इमरान खान ने दावा किया कि इस्लामाबाद पुलिस के IG ने उन्हें लाहौर जाने से रोकने की मुतअद्दिद कोशिशें की. इमरान ने कहा कि मुझे 3 घंटे इंतजार कराया गया. इमरान खान ने कहा कि अगर वो दोबारा वजीर आजम मुंतखब हुए तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को नहीं हटाएंगे. मुल्क में इंटरनेट बंद होने से टेलीकॉम इंडस्ट्री को 3 दिनों में 2.46 अरब रुपए का नुकसान हुआ है. इमरान के हामियों ने तशद्दुद के बाइस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी. तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को हो रहे हैं, जिसमें अपोजिशन के उम्मीदवार कमाल कलीच दार और मौजूदा सदर के दरमियान सख्त मुकाबला नजर आ रहा है. अपोजिशन काफी मुस्तहकम नजर आ रही है, और तुर्की सदर रजब तैयब उर्दगान की जमात इंसाफ और तुर्की पार्टी को सख्त चैलेंज पेश कर रही है. दोनों फरीक राय दहिंदगान को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं. और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की.
दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो प्लेऑफ के दौर से तकरीबन बाहर हो चुकी है, आज इंडियन प्रीमियर लीग का मैच जीतकर पंजाब किंग्स की कारकर्दगी को खराब करने की कोशिश करेगी। दिल्ली ने अब तक 11 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीते हैं और अगर वो अपने बाकी 3 मैच जीत भी लेती है तो भी उसके 14 पॉइंट्स होंगे जो टॉप 4 में जगह बनाने के लिए काफी नहीं होंगे। पंजाब किंग्स की कारकर्दगी भी ज्यादा अच्छी नहीं है और इसके 11 मैचों में से 5 जीत हैं और 10 पॉइंट हैं और उसे प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अपने बाकी तमाम 3 मैचेस जीतने होंगे। दिल्ली का सबसे बड़ा मसला उसकी टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाजों की नाअहली है। उनकी टीम अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों के कप्तान डेविड वार्नर, विकेट कीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। ताशकंद में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत के हुस्सामुद्दीन ने इंजरी के बाइस अपने हरीफ को वॉक ओवर दे दिया। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में हुस्सामुद्दीन का मुकाबला क्यूबा के खिलाड़ी से हो रहा था। और आगे बढ़ते हैं जहां आपको बता दें और किलोग्राम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार कांसे का तमगा जीतने वाले फ्रांस के बिलाल बेनामा ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी बॉक्सर ने मुकाबला 4-3 से जीत लिया। बॉक्सर निशान देव को 71 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के असलान बेग ने 5-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। निशान देव को कांसे के तमगे पर इत्तेफाक करना पड़ा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।